बढ़ते हैं बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा से नशीले पदार्थों की तस्करी पर अब शिकंजा कसेगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंटर स्टेट बॉर्डर क्राइम मीटिंग हुई। हरियाणा के हिसार में आयोजित हुई बैठक। विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था पर विशेष फोकस रहा। श्रीकांत जाधव ADGP हिसार रेंज की अध्यक्षता में आयोजित हुई है बैठक। बीकानेर रेंज IG ओम प्रकाश पासवान भी बैठक में मौजूद रहे। नाकाबंदी पॉइंट, नशीले पदार्थों की तस्करी सहित कई मसलों पर IG ओम प्रकाश ने अपनी बात रखी। हनुमानगढ़ चूरू के 10 थानों की सीमाएं लगती है हरियाणा से। हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए। लक्ष्मण, अभी हम जिक्र ही कर रहे थे किस तरह से गठजोड़ को समाप्त करने की कोशिश, नशीले पदार्थों में जो तस्करी में सहयोग करते हैं उन पर कार्रवाई की जा रही थी। अब मीटिंग में क्या कुछ खास रहा उस पर भी चर्चा करिएगा। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग है चुनाव से पहले। दरअसल हरियाणा की जो सीमा है वो राजस्थान के मिल से लगती है और खास तौर पर बीकानेर संभाग में यदि हम बात करें तो हनुमानगढ़ और चूरू की। तो चुनाव में आप देखते हैं खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को एक थ्रेट तो रहता ही। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हरियाणा से पंजाब से हरियाणा होते हुए तस्करी होती है नशीले पदार्थों की, तो उसको लेकर एक इंटरस्टेट बॉर्डर क्राइम मीटिंग थी जिसमें IG ओम प्रकाश पासवान, चूरू और हनुमानगढ़ के SP तो थे ही थे, वहां के ADG यादव भी मौजूद रहे। इन्होंने डिस्कस किया लंबा, खासतौर पर जो नाकाबंदी के दौरान पॉइंट्स होते हैं उनको लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ ये जो मैप है जिससे तस्करी की हमेशा आशंका होती है और वहां से होती रही है, कहीं का तस्करी का जो रूट है उस रूट को कैसे और चाक चौबंद किया जाए, वहां पर क्या दोनों पुलिस समन्वय के साथ यानी कोऑर्डिनेशन के साथ दो राज्यों की पुलिस कैसे पार पा सकती है, वहां के जो इस तरह के नशे का व्यापार करने वाले लोग हैं जो चिन्हित हैं उनके खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जाए, तो एक कोऑर्डिनेशन के साथ दो राज्यों की पुलिस कैसे काम करे इस पर चर्चा हुई। कैसे लॉ एंड ऑर्डर के थ्रेट को रोका जाए, एक दूसरे के स्टेट से होता क्या है, उधर से क्राइम होता है, इस स्टेट में आ जाते हैं, स्टेट में क्राइम होता है, उधर चले जाते हैं, ये तमाम चीजों को लेकर लंबा डिस्कशन, एक मैराथन मीटिंग की गई और ये मीटिंग हिसार में हुई है। लक्ष्मण, जब नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने को चर्चा हुई तो इस दौरान चुनौतियां क्या कुछ सामने निकल कर आई? देखिए, आप जानते हैं कि इनका जो नेटवर्क होता है वो इस तरह का होता है कि जो ट्रक जिन ट्रकों के जरिए तस्करी होती है उनके चालकों को तो भनक ही नहीं होती कि कौन इसका मुख्य किरदार है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन तक पहुंचा कैसा जाए, तो ये एक बड़ी चुनौती रहती है। होता क्या है, बहुत कम पैसों में हायर किए हुए ड्राइवर होते हैं जो ट्रकों से चीजें इधर उधर करते रहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर देखिए सबसे बड़ा जो चुनौती थी वो यही थी कि कैसे उनके मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाए। दूसरा, रूट्स को लेकर निगरानी करने की आवश्यकता होती है। अक्सर ये देर रात या इस तरह का समय उपयोग में लाते हैं। आप देखते हैं खासतौर पर पंजाब से गुजरात बहुत सारी खराब तस्करी होती है। इसके अलावा लक्ष्मण, अब लगता है कि बैठक के बाद जितनी चुनौतियां हों उनको पार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।